नमस्कार दोस्तों, मैं सुखदेव सिंह निक्कू। आज एक बार फिर से दोस्तों, आज हम बात करेंगे मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ की। ये मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ क्या है, आज हम इसको समझेंगे और इसके फायदे हमें क्या हैं उसको भी हम जानेंगे। और आज हम प्रैक्टिकल तौर पे मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ का आपको यूज़ बताएंगे कि कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये मल्टी स्पीड है क्या। मल्टी स्पीड पीटीओ उसे कहते हैं कि जो हमें हर एक गियर में अलग अलग चाल हमें प्रदान करती है, जिसको हम मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ कहते हैं। अब इसका फायदे का हम बात करें, सपोज करो कि जैसे मेरे पास, मैं जिस ट्रैक्टर के पास खड़ा हूँ, ये 55 HP का ट्रैक्टर है और मुझे इस 55 HP के ट्रैक्टर से जो काम करना है, तो वो ये 55 HP पैदा करने के लिए इसको 1850 रेटेड RPM पे घूमना पड़ता है, तब जाके 55 HP पैदा होती है। और अगर मेरे पास मल्टी स्पीड का ऑप्शन नहीं है, तो मुझे एक चलाना है, जनरेटर पे चलाना है या किसी पंप सेट पे चलाना है, सपोज डैट मुझे एक पंप सेट पे चलाना है, तो पंप सेट पे चलाने के लिए मुझे 10-12 HP की ज़रूरत होती है, जो मेरे को इस 55 HP के ट्रैक्टर से लेनी है। अगर मैं इसकी रेस एक्सलेटर पूरा खींच के चलाऊंगा, तो ये 55 HP तो पैदा करेगा, लेकिन मैं उसकी यूज़ सिर्फ 10-12 HP कर रहा हूँ। तो उस कंडीशन में मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ट्रैक्टर है वो पैदा ही 12 या 15 HP करे, जो कि मैं इसको यूज़ कर लूँ विद दी हेल्प ऑफ मल्टी स्पीड। तो मैं बात करूंगा दोस्तों आज की डेट में कि ये 540 RPM भी प्रोवाइड करवाता है, 1810 RPM पे चलता है, तो 540 RPM देती है इसकी पीटीओ। और अगर मैं बात करूं मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ की, तो जब आप 1850 RPM पे चलाएंगे, तो हर गियर में डिफरेंट डिफरेंट आपको स्पीड मिलती है। तो आज मैं प्रैक्टिकल तौर पे करके दिखाता हूं कि जैसे मुझे पंप सेट पे चलाना है, तो मैं किस कंडीशन में चलाऊंगा। तो आइए दोस्तों एक बार देखते हैं, स्टार्ट कीजिए। पहले 540, ये है 500, एक बार फिर से कर, धीरे से डालना। ये है 540 RPM पे हमने शिफ्ट कर दिया और हम देखते हैं कि ये जो PTO घूम रही है, ये 540 RPM देगी कब, जब ट्रैक्टर 1810 RPM तक इंजन इसका घूमेगा। अब इससे मेरी वायबिलिटी निकल रही है, मुझे चाहिए मेरा ट्रैक्टर जो है ज़्यादा RPM प्रोवाइड करे कम रेस पे, तो उस कंडीशन में मैं चलाऊंगा मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ पे। अब मैं इसको शिफ्ट करने जा रहा हूँ मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ पे। अब मैं मल्टी स्पीड में चला रहा हूँ, इसको मैंने शिफ्ट किया। अब मैं फर्स्ट गियर में इसकी स्पीड देखता हूँ क्या है। ये दोस्तों इसकी फर्स्ट गियर की स्पीड है, ये फर्स्ट में चल रहा है। अब मैं सेम स्पीड, मैं रेस को चेंज नहीं करूंगा, एक्सीलेटर नहीं इंक्रीज करूंगा, मैं गियर चेंज करूंगा। मैं इसको सेकंड गियर में चलता हूं, तो दोस्तों ये पहले से स्पीड इंक्रीज हो चुकी है, ये सेकंड गियर है। अब इसका मैं थर्ड गियर यूज करता हूं, स्पीड और इंक्रीज हो चुकी है, ये थर्ड गियर की स्पीड है। अब मैं चाहता हूं इसका मैं फोर्थ गियर में शिफ्ट करना चाहूंगा, आप देख रखे हैं इसकी स्पीड और इंक्रीज हो चुकी है। अब मैं बात करूंगा रिवर्स पीटीओ की, तो रिवर्स पीटीओ में मैं रिवर्स का गियर शिफ्ट करूंगा, रिवर्स, ये उल्टी घूमना शुरू हो गई, इसको बोलते हैं रिवर्स पीटीओ। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, सपोज दैट मुझे चलाना है पंप सेट पे या जन सेट पे, जनरेटर पे मुझे चलाना है, बंद कर दीजिए। उस कंडीशन में मैं इस ट्रैक्टर की जो पीटीओ है उसको थर्ड गियर में चला सकता हूं, अगर मेरे RPM की सेटिंग या पुलिस में कोई डिफरेंट है तो मैं फोर्थ में चला सकता हूं, जैसे मेरी मर्जी है उस टाइप का मैं इससे RPM ले सकता हूं। बेनिफिट क्या है कि कम डीजल की खपत में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ले सकता हूं। ये है मल्टी स्पीड और रिवर्स पीटीओ। और थैंक यू।